हेलो सुभान। हेलो सुन्नी सुल्तान टीटीएस भाई, क्या हाल चाल? हेलो पहली बात क्या बोले तो अफू खान, तुम्हारे कलाम का जवाब नहीं देता मैं। हाँ तो सलाम किया ही कब मैंने, जाहिर आदमी। कान बज रहे हैं हाँ क्या? कान बज रहे हैं क्या? मैंने सवाल कब किया? अच्छा, तो मैंने समझा कि तू जब मैं कॉल करता हूँ तो तू मुझे सलाम करता ना, तो मैं इसी तरह बोला कि तू अगर तू सलाम कहता तो तेरे सलाम का जवाब मैं नहीं देता। नहीं भाई, आप ऐसे गाली बाजों को सलाम करना छोड़ दिया है। जाली बाज अच्छा, ये जो आपने पोस्ट डाली है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा बताइए उसके बारे में। पढ़ लो, क्या पढ़ना नहीं आता? नहीं तो क्या आपको बताने में मतलब शर्म आ रही है? शर्म नहीं मेरे भाई, क्या तुझे पढ़ना नहीं आता? तू पढ़ना नहीं आता, नहीं आता पढ़ना, बातें बता दो सुनाता भाई। हूँ। हाँ नहीं आता पढ़ना, बता दो। पढ़ना नहीं आता नहीं आता बता दो। तू जाहिल है, तू तो अल्लाह के जाहिल है, नबी को पढ़ना पढ़ना नहीं लिखना आता। नहीं आता था माजअल्लाह, तो क्या उनको भी तू जाहिल बोलेगा? अरे तुझे पढ़ना लिखना ठीक से ढंग से नहीं आता, तो कैसे मुनाजरा वही करने तो फोन कह रहा हूँ, लेके अल्लाह डर के गया? नबी को भी हाँ भाई नहीं आता था। अल्लाह के नबी उम्मी थे, तो अस्तगफिरुल्लाह, नबी को नहीं क्या आता वो भी था? तेरे मतलब नबी को उसूल नहीं के आता हिसाब से था? माजअल्लाह क्या वो गलत हो अस्तगफिरुल्लाह, गए? नबी को नहीं आता था? नबी को भाई पढ़ना क्यों पोस्ट नहीं आता था? डालने की हिम्मत है लेकिन पढ़ने की हिम्मत नहीं है क्या? मतलब इतने डरपोक ना बनो यार, अरे तुम अरे सुल्तान हो सुल्तान। तुम इतने बड़े जाहिल हो, और तुम इतने बड़े जाहिल हो कि तू पढ़ना हाँ है या मैं तू फोन काटूं वापस तुमको ब्लॉक कर दूं? अरे ऐसा ना शर्माओ औरतों की तरह यार, बार बार पोस्ट डाल लो, मेरी माँ को उल्टा सीधा बोल लो, तो कम से कम भाई पढ़ के बता दो पूरा। इतना लंबा तुमने भेजा है कि पढ़ने का टाइम नहीं है। पढ़ने का टाइम नहीं तो अभी तक पढ़ना नहीं आता क्या? अरे कितने झूठे बात बोलोगे रे अफू अरे खान। तो तुमने मेरे भाई पोस्ट डाला है, तुम पढ़ के बता दोगे तो क्या तुम्हारे मुंह में मेहंदी लगी हुई है? बता दो ना पढ़ अरे के। क्या नहीं तुम पढ़ लेंगे तो क्या तुम्हारे मुंह में किसी का लंबा चौड़ा रखा हुआ है? ये सब तो भाई खानदानी पेशा आप लोगों का है। जल्दी बताओ मेरे भाई, पढ़ना है या मैं अच्छा फोन मैं सवाल काटूं? करता, उसके बाद उसका जवाब देना कि तू वहादियों ये देवबंदियों से ज्यादा बात करता है और हमारे सुनने से ज्यादा बात करता है? मैं दोनों से बात करता हूँ नहीं, तू बस सुनियों से ही बात करता रहता है ना। भाई, जिनका मेरे पास ज्यादा फोन आता है मैं उनसे बात कर लेता हूँ। देवबंदी लोग जानते हैं कि अफू, अब देवबंदी लोग समझ गए हैं कि अफू खान से पंगा लेने वाला नहीं है, तो उन्होंने फोन करना भाई कम कर दिया है। लेकिन बरेलवी ज्यादा कूदता रहता है, ज्यादा फोन करता है, तो ज्यादा पिटाई उनकी होती है। मतलब रोज एक एक दिन में कितने फोन आते तेरे को? एक दिन में फोन तो बहुत आते हैं लेकिन मैं बात खाली 5 लोगों से करता हूँ। अच्छा रोजाना 5 लोगों से? हाँ अच्छा भाई, आपने पोस्ट और भेजा है, जो पढ़ तू के क्यों नहीं बता डालता दीजिए वो अल्लाह के ऑडियो पूरे बंदे। ग्रुप ग्रुपों के अपलोड नहीं करता, जो ऑडियोस में तू जलील होता है? अच्छा ये बताइए, ग्रुप में जब मैंने कहा था मुझे ऐड भाई ना कीजिए, तो बार बार ऐड करके गाली क्यों देते हैं? वो तेरे हक में है तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं वो हक में है, नहीं, मेरे तेरे पास हक में ऐसे जो है ग्रुप वो देना ही इतने पड़ेगा सारे ना, हैं, वो अब हमारी आप लोग बार बार जिम्मेदारी है ऐड मेरे करते भाई। हो। नहीं, ऐसी कोई बात कोई नहीं, इल्मी वो बात तेरे हक करना में है, हुआ वो करे हमें तो देख ही फोन रहे किया हैं ये करो लोग। ना, ये ग्रुप बाजी छोड़ दो। ग्रुप बाजी छोड़ देना। और क्या मेरे भाई, बिना इंसान की परमिशन के उसको ग्रुप में ऐड नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिना एक बात बिना बिना इजाजत के बिना ग्रुप के अंदर परमिशन ऐड के नहीं किसी करना को चाहिए, ऐड तो आप करके बिना तहकीक के, डायरेक्ट आप गाली देना ये बिना बहुत मालूम गलत चीज के, है, ये आप बहुत बड़ा गुनाह है। औलिया इकराम के ऊपर इतने गाली बड़े नहीं देना बोहतान चाहिए बांधते किसी हैं, और को। इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद को आप लोग इमाम अबू बुरा भला हनीफा कहते रहीमुल्लाह हैं? हमारे इमाम है, तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे अस्तगफिरुल्लाह इमाम है आला अस्तगफिरुल्लाह, हजरत, तुम्हारा एक मौलवी कहता है इमाम आजम अबू हनीफा को 3 हदीस से ज्यादा याद नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह। तो वो तो हाँ सच है ना मेरे भाई, इमाम अब करीम सच कितने बोल दिया तो खिलाफत है मिर्चे अबू क्यों लग खान? गए? सच बोलने से तुम लोग को मिर्चे क्यों लगते हैं? अच्छा तो ये बात सच है इमाम अच्छा आजम खैर, अबू इधर हनीफा इधर को की बात तीन चीजें हटाइए, में याद नहीं? आपने जो इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट भेजी है वो जरा पढ़ के बताइए। मतलब तूने कहा तुझे पढ़ ही नहीं आती, कि पढ़ी नहीं आती क्या? तो हमें पढ़ना आता है, देखते हैं मतलब हम ठीक से पढ़ पाते हैं कि नहीं। देख अगर मेरे तेरी से झूठी पढ़ने में मत कोई रानी, गलती देख हो जाए तो आप बता तमाम दीजिएगा, जो ठीक है? मेंबर्स मेरे ऑडियो सुनेंगे उन तमाम के लिए ये बात मैं कहूंगा कि देखो अफू खान, इसके पहले पढ़ना नहीं आता जी कहा, जी तो अभी भाई, बोल रहा कि मुझे पढ़ना आपका आता है। मैसेज आया अस्तगफिरुल्लाह है, अस्तगफिरुल्लाह ये ग्रुप का अस्तगफिरुल्लाह, नाम है सुल्तान के ऊपर देवबंदी अल्लाह की लानत है वहाबी बेटा। हरामी, हाँ जी, और हाँ उसमें हमारे सुन्नी सुल्तान भाई ने एक मैसेज भेजा है, जी अफू खान की स्टोरी
एक किरंडी थी जो जिस्म का धंधा करती थी। काफी दिन तक उसका यही धंधा चलता रहा और गलती से पता नहीं कैसे बच्चा उसके पेट में पलने लगा। उस रंडी ने सोचा, मैं अपने होने वाले बच्चे अफू खान को इज्जत की जिंदगी दूंगी। और ये सोचकर उसने वैश्या का धंधा छोड़ दिया। एक दूर किसी दूसरे गांव में बस गई। उसका बच्चा अफू खान 10 साल का हुआ। शबे बारात का दिन आया। जब अफू खान बाहर गया तो उसने देखा कि सारे गांव में खुशियां मनाई जा रही हैं। कोई हलवा खा रहा है तो कोई अपने बाप दादाओं की कब्रों पे कब्रिस्तान जा रहा है। तो अफू खान ने अपनी माँ से पूछा कि मैं कब्रिस्तान क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो अफू खान की माँ ने कहा, बेटा जिसके बाप दादाओं का अता पता होता है वो कब्रिस्तान जाते हैं और तुम्हारे तो बाप दादाओं का अता पता ही नहीं है। तो अफू खान ने अपनी वैश्या माँ से कहा कि माँ सारे गांव वाले कब्रिस्तान जा रहे हैं लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकता। तो अफू खान की माँ ने जो जवाब दिया वो सुनकर आपकी आंखें भर जाएंगी। आगे आपने लिखा है कि अफू खान की माँ ने कहा, बेटा जिसको बाप दादा का पता होता है वही अपने बाप दादा के कब्र पर फातिया देते हैं, लेकिन तेरे बाप दादा कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो तू अफू खान किसके कब्र पर फातिया देगा। एक सन्नाटा छा गया और उस नाजायज व हरामी अफू खान ने कहा कि अगर मैं फातिया नहीं कर सकता तो मैं आज से कसम खाता हूँ कि सबको फातिया करने से रोकूंगा। और वहीं से अफू खान ने अपनी नाकाम कोशिश में लगा रहा। और लास्ट वाह में वाह आपने वाह वाह उतारा वाह है वाह, क्या अफू पढ़ा यार, खान क्या पढ़ा हरामी यार, हैं। वाह वाह, क्या पढ़ा तो यार, ये जो क्या पढ़ा स्टोरी यार, आपने बताई है ये आपने मतलब अपने ऊपर से कयास करके अफू खान के ऊपर वही स्टोरी बना दी। नहीं ये तो अफू खान की असली स्टोरी मतलब होती है, यहाँ क्योंकि पे भी जो कयास वहाबी कर लोगों की दिया। होता है वो तो बिल्कुल ये हरामी स्टोरी उसके तो साथ है सुन्नी भाई। सुल्तान की है। ये स्टोरी तो अफू भाई खान आज की है, क्योंकि से जो 25 साल गुस्ताखे पहले रसूल होता हिजड़ों है, की गुस्ता बस्ती के में औलिया होता है, एक गुस्ताखे किन्नर पैदा बाबा हुआ था। इकराम होता जिसका है, सारे गुस्ताखे नबी किन्नरों होता ने है वो तो मिलके हरामी बड़े होता प्यार है से मेरे नाम भाई। रखा था, ये स्टोरी तो टुन्नी आपकी स्टोरी है, सुल्तान। अगर आप लेकिन समझो बाद कि में वो पूछ टुन्नी लीजिए सुल्तान कि मैं जब माशरे में आया बाप तो क्यों वो बना, टुन्नी से अपने आप को वो देखिए सुन्नी बोलने लगा तेरे और बाप सुन्नी का सुल्तान अपना नाम रख इसलिए के वहाबी बन लोगों को गया। जो कुरान हदीस के मानने वाले हैं उनको बदनाम करने लगा, उनको गाली गलौज करने लगा, उनकी माँ बहनों को उल्टा सीधा बोलने लगा। लेकिन उस टुन्नी सुल्तान को ये नहीं